किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कोई पाना भी चाहे तो कैसे पाए, यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें जियोग्राफिकली, ये ब्रह्मांड, सौर मंडल, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, पहले फिर स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, फिर शिवलोक, विष्णुलोक, साकेत और फिर गोलोक। जब स्वर्ग तक ही कोई विमान, हमारा रॉकेट पहुंच नहीं पाता, स्वर्ग को छोड़ो, सूर्य जो एक नक्षत्र है वहीं तक नहीं पहुंच पा रहा, स्वर्ग की बात तो एक कल्पना ही है हमारे लिए। और फिर स्वर्ग से भी न जाने कितना अनंत गुना आगे ब्रह्मलोक, फिर अनंत गुना आगे शिवलोक, फिर विष्णुलोक। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि कोई रॉकेट लाइट की स्पीड से भी जाए, पर सेकंड 1,73,000 माइल्स पर सेकंड, अभी भी ऐसे नक्षत्र मौजूद हैं जिनकी किरणें चले हुए कई वर्ष हो गए जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर कहाँ इन लोगों की बात, इन लोगों की बात करें। ऐसे फरिश्तों का भी काम नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाए देवता भी। प्रेमी यही बात करें, जब देवताओं के वश में भी नहीं फिर भी यदि उस तक पहुंच है तो किस चीज की है, वो है एकमात्र भाव और प्रेम, जिसे वर्षों नहीं पल में ये दूरियां समाप्त कर दें। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। इसे और साइंटिफिकली लॉजिकली कहूं, हमारे यहाँ लाइट्स की या तो स्पीड, साउंड की भी अच्छी स्पीड है, पर सेकंड 1,086 फीट, लेकिन उसी साउंड को जब इलेक्ट्रो चुंबकीय तरंगों से इसे भेजा जाए तो यही साउंड 1 सेकंड में अमेरिका तक पहुंच सकती है। अमेरिका छोड़ा, आजकल जो रॉकेट लाखों करोड़ों मील ऊपर जा रहे हैं, पर सेकंड में यहाँ की आवाज़ वहाँ पहुंच जाती है। क्या है इसका मतलब, कोई एक पराशक्ति है जो इसकी स्पीड अनंत गुना कर देती है, लेकिन हाथी ने कोई बार बार नहीं पुकारा, एक ही बार पुकारा और वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई कि उसी क्षण उसे नंगे पांव दौड़कर आना पड़ा, तो वो आवाज कहां से थी जो 1 सेकंड में इतनी स्पीड अरबों 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 माइल तक चली गई। द्रौपदी की आवाज कहां से आई, एक ही बार पुकारा, दोबारा नहीं, वो आवाज वहां तक पहुंच गई कि उसे भी दौड़कर आना पड़ा।
ये स्पीड किस चीज की है, यही है कॉन्सेंट्रेशन कह लो, भाव कह लो, प्रेम कह लो, यानी कि एक सेकंड के अंदर उसे मजबूर जो कर दे उसका नाम भाव, उसका नाम प्रेम। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जाओ है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है। पाए तलब तो कहते हैं वैसे कि जिसकी आशाएं टूट गई हो। देखो भक्ति दो तरह की विशेषकर सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। यहां बात शुरू में सकाम भक्ति की जाती है कि मन में कोई कामना है हम उसे पूरी नहीं कर पा रहे तो ईश्वरीय शक्ति का सहारा लेने का प्रयास, यह है सकाम भक्ति। इसमें ईश्वर की चाहना नहीं, माफ करना, अपनी कामनाओं की पूर्ति है, इसलिए इसमें ईश्वर आगे आगे चलता है और भक्त पीछे पीछे चलता है, जैसे वो नाचे नचाए वैसे नाचना पड़ता है, सकाम भक्ति है ये। लेकिन फिर भी सूफी कहता है कि मैं अपनी कामनाओं का भी शुक्रगुजार हूं कि जो कामना मैं पूरी ना कर पाया अपना पुरुषार्थ के बल पर, उन कामनाओं ने तेरे दरबार में मुझे ले आई, वो कामनाएं तेरी चौखट पे मुझे ले आई। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, क्यों एहसान है जो मेरी आशाएं पूरी ना हो सकी उनका भी मैं शुक्रगुजार, क्यों तेरे दरबार से उठकर कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दरबार से उठकर कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दरबार से उठकर कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दरबार से उठकर कहीं जाया नहीं जाता। अब ये है अपनी कामना, कामना ईश्वर के दरबार में तो ले आई, लेकिन माफ करना दर्शन ईश्वर के नहीं होते, हमारे और उसके बीच में यदि कोई भी चीज है दर्शन कहां से होगा। मान लो सूर्य को देखना है, बीच में कोई बादल है, सूर्य की किरणों का आभास तो होगा, सूर्य नहीं दिखेगा, ये कामनाएं बादल की जैसे हैं। मान लो बिहारी जी के मंदिर में ही जाए, शुरू में गए बिहारी जी की वाह 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 बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े सोने लग रहे हो, हाई की मुकुट पहने हैं, दूसरे क्षण हे बिहारी जी मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, अब दर्शन बिहारी जी के हो रहे हैं या अपनी कामनाओं के हो रहे हैं, बड़ी फिलोसफिकली बात है, किसका दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी तो बेचारे हमारी कामनाओं के पीछे चले गए, तो जो चीज आगे होगी दर्शन तो उसी का होगा। तेरे फिर भी सूफी कहता है चलो दो चार क्षण के लिए ही सही, तुझसे बातचीत करने का मौका तो मिला, तुझसे कुछ मांगा तो तुझसे बात तो हुई, वो तेरे दरबार
तेरे दरबार से उठकर कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दरबार से उठकर कहीं जाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। एक वो है सब कुछ होने के बावजूद भी मांग बनी हुई है, और एक वो जिसके पास कुछ भी नहीं फिर भी मांगने में। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तेरा होकर हाथ कहीं और फैला या नहीं जाता, तेरा होकर हाथ कहीं और फैला या नहीं जाता, तेरा होकर हाथ कहीं और फैला या नहीं जाता, तेरा होकर कहीं और फैला या नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। इसलिए सूफी कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ प्यारे, कितना भी प्रयास वहां तक पहुंचने का कर, जरूरी नहीं सफल हो जाए तेरे प्रयास, क्यों वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है। यदि कोई बात सरल है तो अपने मन के वो भाव जागृत कर कि तुझे जाना ना पड़े, बेचारा वो ही खुद उठ कर आए। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। चमन तुमसे इबारत है बहार तुमसे जिंदा है, चमन तुमसे इबारत है बहार तुमसे जिंदा है, चमन तुमसे इबारत है बहार तुमसे जिंदा है, चमन तुमसे से जिंदा है, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझा या नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझा या नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझा या नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझा या नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का
जैसे लगाता हूँ। हर एक धागे तमन्ना को करे जैसे से लगाता हूँ। घर आई हुई दौलत को ठुकरा या नहीं जाता। घर आई हुई दौलत को ठुकरा या नहीं जाता। सूफी कह रहे हैं यहाँ कि हर एक दागे तमन्ना को कलेजे से लगाता हूं। भक्ति के अंदर ईश्वर से कुछ भी मांगना, मान लो भक्ति का दोष है कि भक्ति आने के बावजूद भी अपूर्णता अतृप्ति महसूस हो रही है, फिर तो आदमी को संतुष्ट नहीं, रसमय हो जाना चाहिए, आनंदमय हो जाना चाहिए, प्रसन्नताओं से भर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ मांग बनी हुई है, सूफी फिर कह रहा है कि जो मेरे मन में कामना उठ रही है प्यारे, मैं उसका पहले शुक्रगुजार हूं कि मेरा प्रवेश सकाम भक्ति में तो हुआ। यह बात और स्पष्ट कर दो, देखो कामना नाराजी के भी मन में आई, इतनी महान उनके मन में भी कामना आई, क्यों मोह हो गया, ब्याह करने की मन में आई। लेकिन भक्त और हम संसारी आदमियों में बस इतना ही फर्क है, उनके पास कामना आई तो किसी तांत्रिक मंत्री के पास, कोई देवी देवताओं के पास नहीं गए, जिसका स्मरण करते थे अपने इष्ट नारायण के पास ही गए और कहा प्रभु मेरे मन में ब्याह करने की आई है, आपका रूप दे दो थोड़ी देर के लिए मुझे। हमारे और उसमें यही फर्क है। अब नारायण ने क्या दिया सब जानते हैं कथाओं का, भाई बंदर का रूप दिया, उसका उद्धार करना था कि मेरा भक्त कहीं फंस ना जाए माया में। लेकिन भक्त की कसौटी है कि वो अपने इष्ट के पास जाता है, और हमारी मामला क्या है, आज इस देवी देवता के पास चले गए, दूसरे ने कहा भाई यहाँ जल्दी तेरा काम बनेगा, यहाँ थोड़ा फास्ट मूवमेंट है, तीसरे ने कहा नहीं 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 ये देवता ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी सुनता है। ये भक्ति की निशानी नहीं है, सीधी सी बात, ये जो हमारी कामनाएं जो हमें भटका रही हैं, भले उठे कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे एक इष्ट किया हुआ है जाए उसी के पास। ये कथाएं इस बात का इशारा करती हैं, नारद जी की कथा कि कामना ऐसे महापुरुषों के भी मन में आई, कहीं और नहीं गए। इसलिए सूफी कहता है हर एक दाग तमन्ना को कलेजे से लगाता हूँ। हर एक दाग तमन्ना को कलेजे से लगाता हूँ। के घर आई हुई दौलत को ठुकरा या नहीं जाता। के घर आई हुई दौलत को ठुकरा या नहीं जाता। से वहां जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ये बात हुई कामना युक्त भक्ति, सकाम भक्ति, जिसमें ईश्वर आगे भक्त पीछे चलता है, और दूसरी भक्ति निष्काम भक्ति, जहां कोई कामना है ही नहीं। जो संत भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं कि ईश्वर खुद कहता है कि अगर मेरे भगत की चरण की धूली मुझ पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाता हूं। वो सकाम भक्तों की बात नहीं है, निष्काम भक्तों की बात है। एक छोटी कथा याद आ गई, कई लोगों ने सबने प्राय सुनी होगी। श्री धाम वृंदावन में एक फक्कर संत थे, यमुना किनारे रहते हैं, नित्य प्रति नियम था कि फिक्स टाइम पे सुबह बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना, रास्ता मार्ग भी तय था, मैं इसी रास्ते से जाना। वे जाते हैं, अब बिहारी जी के अंदर तो वैसे अंधेरा रहता है, खाली दीपक जलता है, उन्हें दर्शन नहीं हुए कभी, वो उस ज्योत को प्रकाश को ही ठाकुर समझकर बाहर आते हैं। बाहर आते तो कई बार लोग बाग कहते अरे आज तो बिहारी जी ने क्या श्रृंगार किया था, है
गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, क्या मुकुट था। उन्होंने सोचा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, ये लोग बातें कर रहे हैं। उन्हें ग्लानी होने लगी। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि आज तो बिहारी जी ने ये मालाएं धारण करी हुई थी इस रंग की, फालसा कलर की। तीसरे दिन फिरोजी कलर की, फिर पैरेट ग्रीन की। रोज नए नए रंग की, नई नई तरह की पोशाक, नए मुकुट, नई मालाएं, नए श्रृंगार। उनकी ग्लानी बढ़ने लगी कि क्या मैं इतना पापी हूँ, इतना अधम हूँ, जो और सबका तो बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं, मुझे उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। फिर सोचा कहीं मेरी आंखें खराब ना हो। दूसरे दिन गया, फिर आंखें खोल खोल कर मसल मसल कर, आज भी नहीं। फिर बाहर आया, सब भक्त लोग तारीफ कर रहे थे श्रृंगार की ड्रेस की। आज उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ, बड़ा ही अंदर आत्मग्लानि से भर गया कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना अधम हूँ कि बिहारी जी मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे। उसने निश्चय किया कि कल जाऊँगा दर्शन करने, और यदि मुझे दर्शन नहीं हुए तो यमुना जी में कूद कर अपना प्राणांत कर दूंगा, जीवन की यही लीला समाप्त कर दूंगा। जैसे उसने निश्चय किया, जिस मार्ग से वो जाता था उसी मार्ग में कोड़ी भी था। बिहारी जी कोड़ी को सपना देते हैं, क्यों भाई अपना कोड़ ठीक करवाना है। वो कहता है महाराज क्या बात कर रहे हो, बड़ा परेशान हो, ये रोग से मुक्ति दिलाओ। कहते उपाय बताता हूँ मैं, इस मार्ग से रोज एक ऐसे फक्कड़ बाबा जो है वो दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के, उनके चरण पकड़ देना और तब तक ना छोड़ना जब तक वो ये नहीं कहते जा बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर दे। वो कहेगा मैं बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, यूँ हूँ, अपने आप को कहेगा, लेकिन छोड़ना मत, तुझे बता दिया है। जब तक वो ना कहे, उसने कहा ठीक। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, फक्कड़ संत निकले, कोड़ी ने उनके दोनों पाँव कस के पकड़ दिए। संत ने कहा क्यों मेरे पाँव पकड़ रहा है, देख मैं कितना पापी हूँ, औरों को तो भगवान दर्शन देते हैं, मुझे दर्शन भी नहीं देते। बोला नहीं नहीं महाराज, आप अपने मुँह से एक बार कह दो कि भाई जाते रह बिहारी जी कोट ठीक कर दें। बोला नहीं तू जानता नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो माना नहीं। वो फक्कड़ संत ने देखा कि ये तो समय मेरा जवाय हो रहा है, कहीं दर्शन बंद ना हो जाए, इसलिए कह दिया उन्होंने अगर मेरे कहने से बिहारी जी तेरा कोट ठीक करते हो तो जा बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर दे। अब वो फक्कर संत आगे चले गए, इसका कोट ठीक होना था हो गया। गए मंदिर में, फक्कर संत ने जैसे ही देखा आज बिहारी जी सामने खड़े हुए। उसे बड़ा ही एकदम अचंबा लगा कि आज तक कभी दर्शन नहीं दिए, आज क्या बात है। उल्हाने देने लगा है कि क्या मैं इतना गया गुजरा था जो आज तक तूने दर्शन नहीं दिए, आज क्या ऐसी खास बात हुई जो तू मेरे सामने आ गया। बिहारी जी भी हंसकर कहते क्या करूं, जितने भी यहां आते हैं मुझसे मांगने के लिए आते हैं, एक तू ही ऐसा था जिसने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तेरे सामने आता, इसलिए मैं तेरे सामने आज तक आया नहीं। और आज जब तूने ये मांग लिया कि अगर मेरे कहने से बिहारी जी तेरा कोट ठीक करते हो तो जा बिहारी जी तेरा कोट ठीक कर दें, जब तूने मुझसे कुछ मांग लिया तो मैं आज तुझे अपना मुंह दिखाने के काबिल हूँ। ये है निष्काम भक्ति, ये है भाव जो उसे भी शर्मिंदा कर दे। ये है निष्काम भक्ति, ऐसे भक्त की चरण, ठाकुर खुद कहता है कि उनकी चरण रज अगर मेरे पे पड़े तो मेरे भी पवित्र हो जाता। सकाम भक्तों की नहीं कि दो चार माला फेर दी और 20-30-50 चीजें मांग ली। निष्काम भक्ति जहां कोई कामना ही नहीं। किसी से उनकी, अब ये हमें तय करना है कि बिहार जी के और हमारे बीच में कामनाएं डिमांड मांग रखे हैं या उनको हटा दें। दर्शन किसके करने हैं, अपनी डिमांड्स के या बिहारी के, अपने ही हाथ में। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जा वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, या वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं।
दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये ऐसे दिलों की अलॉटमेंट वो खुद करता है। वो कहते हैं ना, ना दौलत से, ना मेहनत से, ना किसी अदब से मिलती है, मोहब्बत वो दौलत है जो सिर्फ तेरी रहमत से मिलती है। मोहब्बत वो दौलत है जो सिर्फ तेरी रहमत से मिलती है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। इसलिए कहते हैं ना, मोहब्बत वो चीज है शायद कि खुद ब खुद एक शख्स इस दिल में समाया जाता है। हम चाहते हैं कि इसके चाहने से मेरी बात बिगड़ने वाली है, यादें इसी की आएगी, क्रियाएं इसकी याद आएगी, चल हट, लेकिन खुद ब खुद नो एफर्ट्स, खुद ब खुद एक शख्स, कोई शख्स इस दिल में समाया जाता है। मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़का या नहीं जाता, ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़का या नहीं जाता, ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़का या नहीं जाता, ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़का या नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के जो कैदी है न छूटे हैं न छूटेंगे, मोहब्बत के जो कैदी है न छूटे हैं न छूटेंगे, मोहब्बत के जो कैदी है न छूटे है न छूटेंगे, मोहब्बत के जो कैदी है न छूटे है न छूटेंगे। ये वो महफिल है जिसमें आके फिर जाया नहीं जाता, ये वो महफिल में आके फिर जाया नहीं जाता, ये वो महफिल है जिसमें आके फिर जाया नहीं जाता, ये वो महफिल है जिसमें आके फिर जाया नहीं जाता। तन से भले जाए जाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ स्मृतियां कुछ यादें ऐसी दिल में संजो कर जाते हैं कि बार बार याद उसी की, इसी को कहते हैं ये वो महफिल है जिसमें आके फिर जाया नहीं जाता, ये वो महफिल है जिस
जिसमें आके मिल जाया नहीं जाना। मोहब्बत असल में, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। मखमूर ये राइटर का नाम है। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। मोहब्बत वो असल में मखमूर हो राज़े हकीकत है। क्या राज है इस हकीकत में समझ में आ गया, लेकिन ये समझा या नहीं जाता। समझ में आ गया, लेकिन ये समझा या नहीं जाता। अब कोई पूछे भाई प्रेम क्यों हो गया, वो सारी दसो प्रेम किन्नू कहते हैं, अब कोई क्या समझाए उसको। अबे बावले करके देख, पूछ क्या रही है। फिर वो कहते करके कैसे देखूं, तुमने तो कहा मोहब्बत हो तो जाती है की नहीं जाती, बताओ अब मेरे को अनुभव हो तो कैसे। फिर यही कहना पड़ता है भाई, ये अलॉटमेंट तो उसी की करने से होगी। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। भाग्यशाली कौन जिन्हें ईश्वर सुख संपत्ति और वैभव दे दे, लेकिन बड़ भागी कौन जिसे ईश्वर अपना प्यार दे दे, अपने भाव दे दे, वो बड़ भागी। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। मोहब्बत असल में मखमूर हो राज़े हकीकत है। समझ में आ गया, लेकिन ये समझा या नहीं जाता। समझ में आ गया, लेकिन ये समझा या नहीं जाता। समझाया नहीं जाता, से कहता ना सयो पंथ प्रेम दा औखा, कहना सौखा ते चलना औखा। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए कहना सरल है, ओ प्रेम करो प्रेम करो, बावली तरेड़ प्रेम कहते हैं, किन्नू तेनू पता है कुछ। जिसको समझ में आ गया कहना औखा चलना सौखा। समझ में आ गया, लेकिन ये समझा या नहीं जाता। समझ में आ गया, लेकिन ये समझा या नहीं जाता। उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता।